गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनान्यजयकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दगदायकार्कं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेवनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासितरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहासयं कनकडुसुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नोनुगोपीकुमारम् वंशी विभूषित करान्नवनीयदाभात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्मनं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृते मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरन् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मोढावति ीयराममयसवजगजानी करुं प्रणामजोरुजगपानी। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्त नमस्कार। महात्माओं गुरुजनों के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। क्षमा प्रार्थना। कोई भी नई बात कहने की नहीं है, बात एक ही है और बार बार उसी का मनन होना चाहिए, वही जीवन का स्वभाव बन जाना चाहिए। इसलिए एक ही बात प्रकार भेद से कही जाती है, ये आज की बात नहीं, युगों से यही चला आ रहा है। अभी जो महाराज जी कह रहे थे कैसी दिव्य बात है, यहाँ मंगलनाथ जी महाराज से मुझे आप जो कहे थे तो वो याद आ गए, स्मृति आती है। तो मंगलनाथ जी महाराज के पिछले दिनों यद्यपि वो निर्लिप्त थे तो कोई केस वेस लग गया था, तो मनुष्य जिस वातावरण में होता है उदाहरण वही याद आते हैं। तो वो कहा करते हैं, एक दिन शेर जी के साथ गया था मैं, तो उपदेश कर रहे थे लोगों से, तो बोले भाई किसी दूसरे की चीज को अपनी मान लेता क्या होता है, चीज तो अपनी रहती नहीं, छिन जाती है, पकड़ा जाता है और जेल होती है। तो इसी प्रकार भगवान की चीज सारी की सारी, भगवान की चीज को अपनी मान ली, अरे भगवान ने कोई चीज किसी को दी किस लिए दी, कोई एक संस्था है ट्रस्ट है, ट्रस्ट में अमुक संपत्ति है, वो संपत्ति ट्रस्टियों को या ट्रस्ट के मैनेजर को सौंप दी गई किस लिए, कि अपनी माने नहीं, उसकी संभाल करे रक्षा करे और ट्रस्ट के उद्देश्य के अनुसार उसे खर्च करता रहे। पर वो यदि अपनी मान ले अपने लिए खर्च करने लगे या अपने नाम से खर्च करने लगे,
या उसको रखे रहे अपनी बोलकर, तो वो अपराधी होता है, उसे दंड मिलता है। इसी प्रकार बोले हमने भगवान की दी हुई चीज को, शरीर भी मन भी बुद्धि भी, ये सब के सब भगवान के हैं। बाहरी वस्तुएं तो सब भगवान की है ही, इन सब को हमने अपना मान लिया, मेरा मान लिया, मेरा मान लिया। लेकिन होता क्या है, जब मरते हैं तो इस नाम रूप से वो सब छूट जाते हैं, बिल्कुल सबका संबंध बिल्कुल टूट जाता है, एकदम नहीं रहता। तो चीज तो सब छीन ली जाती है। वहां ऐसा वर्णन आता है कि बड़े जो मोहासक्त जीव होते हैं उनको उस समय बहुत बड़ी पीड़ा होती है, मरते समय और मरने के पश्चात भी। मरने के पश्चात किसको पीड़ा होती है, बोले शरीर से वियोग हो गया उसका, स्थूल शरीर से उस जीवात्मा का वियोग हो गया, पर जीवात्मा तो मरा नहीं। और उस जीवात्मा में पूर्व शरीर के तमाम संबंध जो के त्यों मौजूद हैं, ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी चीजें, ये मैंने छिपा के रखी थी, ये मुख को देनी थी, ये मुख के लिए थी, ये सारी बातें उसके जो की क्यों रहती है वो, क्योंकि वो तो आसक्ति ममता अहंता इसको लेकर मरता है ना, इनको साथ ले जाता है। तो मरने के बाद वो देखता है कि राम राम, जिस चीज को मैंने छिपा के रखा, किसी को दिया नहीं, देने की थी नहीं, अब भी छिपाने की, वो पेटी खोली जाती है और उसकी चीज निकाल ली जाती है। दूसरे निकालते हैं, जिनसे परहेज किया था वही उसके मालिक बन जाते हैं। बड़ी पीड़ा होती है। यही जो मरने के बाद जो प्रेत होते हैं ना, वे प्रेत लोक में कई स्तर हैं प्रेतों के। जो उग्र प्रेत होते हैं और उनमें जो शक्तिशाली होते हैं, वे इस प्रकार की स्थिति में बड़ा उपद्रव करते हैं, क्योंकि उन्हें सहन होता नहीं वो, और रोक सकते नहीं। तो दूसरी प्रकार से वो उपद्रव करके अपने क्रोध से अपने काम लेना चाहते हैं, तो बड़ी पीड़ा उनको होती है। लेकिन यदि मृत्यु से पहले ही सब जगह से ममता निकाल ले, मेरापन निकाल ले, भगवान की चीज को भगवान, इतने निकालना उकालना नहीं है, केवल असली चीज को असली मान लेना है भगवान की, हमने व्यर्थ ही अपनी मान रखा है, ये व्यर्थ ही व्यर्थ की मान्यता को हम केवल छोड़ दें और हम केवल उसके सेवक बन जाएं। किसी ने कहा कि भाई दिन भर भगवान की पूजा कैसे करें, कि एक कोई महात्मा कह रहे थे कि दिन भर भगवान की पूजा करो। बोले कैसे करें, दिन भर तो घर का काम करते हैं और अपने घर को संभालना है, दुकान को संभालना है। तो बोले ये तो सीधी बात है, दुकान भगवान की, घर भगवान की, घर का सारा काम भगवान का, घर के जितने सदस्य वे सारे भगवत स्वरूप तुमको सेवा के लिए मिले, तुम उनके साथ भगवान के नाते जिस संबंध से सेवा करने का तुमको वहां पर आदेश दे करके नियुक्त किया गया है, उस नियुक्ति के अनुसार तुम भगवान की चीज के द्वारा भगवान की सेवा करते रहो ईमानदारी के साथ, कुछ नहीं। तो फिर दिन भर जो काम, खाना पीना भी, सोना भी, जगना भी और संसार के सारे काम, ये सब के सब भगवान की पूजा बन जाएंगे। और होगा फिर क्या, कर्मों में पवित्रता आती है ममता से, आसक्ति से, कामना से। ये कर्मों को अपवित्र करने वाले ये सब हैं, ये जब नहीं रहेंगे
और भगवान के लिए कर्म होगा और भगवान की वस्तुओं के द्वारा वो कर्म संपन्न होगा, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होने वाला कर्म भगवान के अनुकूल होगा, वो प्रतिकूल नहीं करने जाएगा। ये एक स्वाभाविक बात है, हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए और अतिथि को हमें प्रसन्न करना है स्वाभाविक, तो हम पहले से जान लेना चाहते हैं नया अतिथि है भाई ये क्या खाते हैं, इनको क्या चीज पसंद है, ये कैसे जल से नहाते, ठंडे से कि गर्म से, क्योंकि उनके अनुकूल न करना है। तो जब भगवान की पूजा के लिए हमारे सारे काम होंगे, तो जिन कर्मों से भगवान की पूजा होती है, जो कर्म भगवान को प्रिय हैं, तत्प्रीत्यर्थम, जो कर्म भगवान को प्रिय हैं, वही कर्म होंगे। अब भगवान को जो कर्म प्रिय हैं, वही शास्त्रोक्त कर्म है। शास्त्र की विधि के कर्मों का अर्थ ही है भगवान के प्रीतिकर कार्य, और भगवान के प्रीतिकर कार्य का अर्थ ही है शास्त्रोक्त वैध कर्म। तो इसलिए बुरे कर्म जीवन से निकल जाएंगे, पुण्य कर्म होंगे, और वो पुण्य कर्म भगवान के अर्पित होने से अपने आप निष्काम हो गए। उन कर्म के द्वारा भगवान की पूजा हुई तो निष्काम हो गए, तो उन कर्मों का कोई पुण्य फल उत्पन्न नहीं होगा। उन कर्मों का फल उत्पन्न होगा भगवत प्रीति, भगवत प्रेम, भगवत कृपा, भगवत साक्षात्कार, ये उन कर्मों का मंगलमय फल होगा, क्योंकि वो कर्म नहीं रहे हैं, वो अर्चा हो गई है भगवान की। स्वकर्मणा तमभ्यर्चा, वो भगवान की अर्चा हो गई, भगवान की पूजा हो गई। कर्म भगवान की पूजा बन सकते हैं, कर्म पुण्य कर्म बन सकते हैं, कर्म पाप कर्म बन सकते हैं, कर्म बांधने वाले बन सकते हैं, और कर्म कर्मों से मुक्ति करने वाले, निष्कर्म सिद्धि प्राप्त कराने वाले कर्म बन सकते हैं, कर्ता के भाव के अनुसार। तो जहां हमारा ममत्व नहीं है और जहां कोई दूसरी कामना नहीं है, वहां वो कर्म बंधन कारक नहीं होकर के मुक्ति कारक होता है, भगवान की प्रसन्नता का कारण होता है। तो उस अवस्था में उसकी एक मांग रहती है जरूर, क्योंकि वो उसमें आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति को कहते हैं सेवा शक्ति, भगवान की सेवा में आसक्ति हो जाती है। ऐसे तो उस सेवा में कुछ करना नहीं पड़ता, अपने पास जो कुछ है उसी के द्वारा भगवान की सेवा होती है। तो सेवा करने का नित्य उत्साह और चाव बढ़ता रहता, और सेवा करें और सेवा करें और सेवा करें, तो वो सेवा का फल चाहता है सेवा, और सेवा का फल उसे मिलता है सेवाधिकार। और भक्तों ने माना है कि जो नित्य सेवाधिकार की प्राप्ति है, यही सर्वोच्च पुरुषार्थ है। नित्य सेवाधिकार की प्राप्ति हो गई हमेशा के लिए, बिना मत सेवनम जना, हाँ ये जो बात आई है ना, वो मुक्ति ग्रहण नहीं करते सेवा को छोड़कर, तो वो उनको ऐसा सेवाधिकार प्राप्त होता है जिससे वो कभी वंचित नहीं हो सकते। वही भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, भगवान के नित्य पार्षद वो हैं जिन जो उनकी सेवा में नित्य नियुक्त रहते हैं। तो वो पार्षद बढ़ते चले जाते, कोई हर्ज नहीं है, कितने पार्षद बढ़ जाए भगवान के, वहाँ उनके लिए जगह बहुत है, उस स्थान की कमी नहीं है, जितना चाहे उतना स्थान, कोई आपत्ति की बात नहीं है। ये तो हमारा जो भौतिक जगत है ना, इसमें तो देश काल का की सीमा है, वहाँ देश काल की सीमा नहीं है। तो भगवान की सेवा में सबसे बड़ी चीज है भगवान में ममत्व होना, वस्तुओं में से ममत्व निकल जाना। भगवान की सेवा में भाव ये रहता है कि ये सेवा करने की हमारे अंदर शक्ति तो बढ़ती रहे,
पर सेवा अभिमान कभी न पैदा हो जाए कि हम सेवा करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। सेवक जो है ना, ये भक्त सेवक, ये भगवान को प्रसन्न तो करना चाहता है अपनी प्रत्येक सेवा के द्वारा, पर अपने में वो नित्य अयोग्यता का बोध करता है, अपने में नित्य त्रुटि देखता है। इसीलिए पूजा के बाद वो क्षमापन हुआ करता है, कि प्रत्येक पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना हुआ करती है। उसका यही अर्थ है कि भाई हमने कोई पूजा वूजा की नहीं, हम तो जानते ही नहीं, महान अयोग्य हैं। तो उसका अर्थ यही है कि वो सेवक अपने में योग्यता का, अपने पास सेवा की सामग्री का, सेवा की पद्धति के ज्ञान का, सेवा के स्वरूप का, इन सब का वो अभाव देखता है। वो देखता है केवल कि ये मेरे स्वामी जो हैं, ये इतने महान विशाल हृदय के हैं कि मेरी सेवा तो होती नहीं, मैं तो कुछ न कुछ बिगाड़ देता हूं। और वास्तव में पूछा जाए तो जो नित्य तृप्त हैं, उनको कहें तुमको भूख लगी है तो तुम जरा सा खा लो, तो उनको नीचे उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, उतर के खा लेते हैं, ये भूख उनको लग जाती है, ये अलग बात, तो उल्टा बिगाड़ते हैं। मैंने पूर्ण को अपूर्णता में लाए बिना तो सेवा बनती नहीं। पूर्ण जो है, पूर्ण नित्य पूर्ण, नित्य पूर्ण में पूर्णता का कभी स्वरूप का अभाव नहीं होता, तथापि वो सेवक की सेवा ग्रहण करने के लिए अपने आप अपूर्णता का बाना पहन लेता है, अपने आप अपूर्णता की मूर्ति बन जाता है, तभी वो सेवा स्वीकार करता है, तभी वो सेवा की सार्थकता होती है। भूख न लगे तब उसकी सेवा की सार्थकता क्या, वो तो दम हो गया, बोले भूख तो थी नहीं और हमने तो इसको खुश करने के लिए खा लिया, तो खुश करने के लिए खा लिया, ये फिर सेवा कहाँ स्वीकार की, उसको धोखा ही दिया बेचारे को, तो भगवान धोखा ही देते। यही भगवान की लीला की महत्ता है कि वो जहाँ पर जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं भक्त के द्वारा, उस वस्तु की आवश्यकता का अपने अंदर बोध करते हैं, पर वो आवश्यकता उनकी हमारा वाला अभाव नहीं है, वो अभाव रूप भी स्वयं बन जाते हैं भक्त की वांछा पूर्ति के लिए, भक्त के उस सेवा को ग्रहण करने के लिए स्वयं उस प्रकार का वो स्वांग धारण कर लेते हैं। ये जितनी भी भक्तों की परिचर्या है, ये जो भगवान ग्रहण करते हैं, ये भक्त के भगवान ग्रहण करते हैं, भक्त के भगवान, भक्त के भगवान दूसरे होते हैं, सब एक ही, भक्त के भगवान दूसरे हैं। और वो जो पूर्णतम भगवान है, जहाँ पर भक्त की अलग संज्ञा ही नहीं कुछ भी, वो भगवान न ग्रहण करते हैं और न देते हैं न लेते हैं, वो अपना अलग है। ये भक्त के भगवान जो होते हैं तो ये ग्रहण भी करते हैं और ये देते भी, ये देते हैं। इनका देन लेन जो है, ये दोनों होता तो अपने में ही है, तो जैसा आपने भी कहा ना, ये देते हैं और दे करके भी अपने को ऋणी मानते हैं। ये भगवान का स्वभाव देखिए कि सारा देते वही हैं, और जो लेते हैं वो भी अपनी चीज लेते हैं, दूसरे की लेते नहीं, परंतु वो अपनी चीज ले करके बदले में देने योग्य अपने को नहीं मानते। यही स्वभाव भक्त में आता है। भगवान को आप कोई चीज दीजिए, वो चीज कहाँ से देंगे, उनके भंडार में से। वो उसके स्वामी कौन है, वो है। अब भगवान ने वो चीज ले ली और ले करके कहते हैं कि तुमने भाई बड़ी अच्छी चीज दी, इसका बदला तुम्हें हम क्या दें, हमारे पास तो कुछ देने को है ही नहीं,
इसका बदला हम क्या दें, अपनी चीज ली, अपनी चीज ली और ले करके उसका बदला देने में अपने को असमर्थ पाते हैं भगवान, तो ये भगवान का स्वभाव है। यही स्वभाव भक्त में आना चाहिए, व्यवहार में। व्यवहार में जो भक्त होते हैं, भक्तों का व्यवहार कुछ अलग होता है। इसीलिए कई कई लोग भक्तों को अव्यवहारिक कहते हैं, भक्तों को वो कर्मठता से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो वो ये नहीं देखते कि इसके साथ नीति का क्या बर्ताव करना चाहिए। नीति का उस दिन मैंने सुनाया था ना, उनका बलदेव सिंह जी का, डाकू आए, डाकुओं का पत्र आया, ये यहीं पर थे देहरादून में, लाला बलदेव सिंह जी, एक बेनाम पत्र आया डाकुओं का कि हम रात को डाका डालेंगे। तो उनके भतीजे के पास भी पत्र आया, तो भतीजा तो गया पुलिस में, पुलिस में जाके उसने अपना इंतजाम कर लिया, पुलिस की तैनाती हो गई। वो चाचा जी के पास आया, बोले चाचा जी इस तरह से हमारे पास एक पत्र आया है और हम तो एसपी के पास गए थे और सारा इंतजाम कर लिया है, बड़ा डर है रात को कहीं आ जाए तो न मालूम क्या हो। तो बड़े शांति से, बड़े प्रेम से, मधुरता से बोले, बोल भैया पत्र तो हमारे पास भी आया है। तो फिर आपने क्या किया? बोले रसोइयों को बुला लिया है, रसोइयों को बुला लिया है। ये क्या बात है? बोले भगवान आएंगे ना, तो भगवान आएंगे तो उनके लिए रसोई बननी चाहिए, अपनी चीज लेने के लिए आएंगे। अगर वो आएंगे तो हमारी चीज तो है नहीं, अपनी चीज लेने के लिए वो आप आएंगे, आएंगे तो उनकी उनकी कुछ खातिर करनी चाहिए ना। तो पुलिस क्या करती आकर के, तो आएंगे तब तो रसोई तैयार होगी, आएंगे कि महाराज भोजन करो और फिर अपनी चीज जो चाहिए से ले जाओ। तो चाचा जी की बात सुन करके उन्होंने समझा कि कुछ दिमाग में कुछ खराबी आ गई। और यही बात है, समझदार आदमी जो भया, समझदार जिसकी समझ उस सीमा में है, वो समझता है कि ये देखो ना कहाँ की मूर्खता है, अरे भगवान मानो सब मानो, पर ये कोई बात थोड़ी है कि इस तरह से डाकुओं के आने में और यूं तैयारी का, ये पागलपन नहीं तो क्या है? पर भक्तों में ये पागलपन होता है, भक्तों में ये पागलपन होता है। तो वो कहीं कहीं पर इस प्रकार की चेष्टा उनके हो जाती है कि लोग उसकी अपेक्षा नहीं करते और कल्पना नहीं करते, इस तरह के बात भक्त लोग कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? उसका हुआ क्या, एक दिन पहले भी इसी तरह का है, आए नहीं डाकू आए ही नहीं, कोई डाकू नहीं आया। तो शायद डाकुओं को मालूम हो गया होगा या जुड़ी चिट्ठी होगी, कुछ भी होगा, डाकू आए नहीं। यही की बात, वो महाराज बड़े बड़े, वो एक बार मंडावा से आ रहे थे, लोकनाथ जी अपने आया करते थे ना, लोकनाथ जी जाननिया उनके यहाँ वो जाया करते थे, मंडावा से आते थे। तो रास्ते में ऊंट पर आ रहे थे, तो वो रावत में वो कौन शायद लोकनाथ जी ऊंट को साला कह दिया, तो बोले ठहर जाओ यहीं पर, ये तो उस बच्चे का नाम लेकिन उसके मामा है, मामा हो गया, तो इस पर हम कैसे चढ़े बताओ। अब वो संतों का अलग अलग एक वो उपदेश का तरीका अलग अलग होता है, बोले हम तो नहीं चढ़ेंगे। तुमने साला कहा, तुम्हारे लड़के का मामा हो गया, उस लड़के के मामे के ऊपर चढ़ के सवारी करके कैसे जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। उधर गए, दूसरा ऊंट आया, तब चढ़े, तो उस दिन से वो साला कहना बंद हो गया। वो शिक्षा मिल गई कि आज से साला नहीं कहेंगे। ऐसे वो संत थे, बड़े अच्छे संत थे। तो ये भगवान के जो भक्त होते हैं, ये भगवान से कुछ चाहते नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि न चाहने से ज्यादा मिल जाएगा,
ये तो फिर हम लोग जैसे व्यापारी लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अमुक तरीके से काम नहीं तो नफा ज्यादा होगा, बोलने से शायद हम कम मांग लें और ये ज्यादा देंगे, और है यही बात, वास्तव में यही बात है। वो एक एक बादशाह और बीरबल की बात आती है, बीरबल से कोई अपराध हो गया तो बादशाह ने कुछ दंड दिलाना चाहा, तो बीरबल बड़े चतुर थे, तो उन्होंने बादशाह से किसी के द्वारा कहलवाया, देखिए बीरबल को आप कष्ट देना चाहते ही नहीं, जरा उसका अपमानित करना चाहते हैं, वहां यही तो चाहते, तो मेरे किसी बड़े राजा से आप उसका न्याय कराएंगे तब तो क्या अपमान होगा, किसी छोटे आदमी से फैसला करवाइए। इतने बड़े बीरबल का न्याय किया, फैसला किया पंचायत के छोटे से आदमी ने, तो ये उसका अपमान हो जाएगा। बादशाह ने कहा ये तो बात ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तो एक जाट को बुलाया, बेचारा ग्रामीण जिसको गिनती आवे नहीं, 20 ही तक गिनती आवे, 1 बीसी, 2 बीसी, 4 बीसी, 5 बीसी तक, 20 के बाद 21-22 तो गिनना नहीं आवे उसको, और 5 बीसी के बाद तो गिनती जाने ही नहीं। तो उसको बुलाया, बादशाह ने कह दिया कि देखो भाई चौधरी, बीरबल का न्याय करना है, उससे अपराध हुआ, तुमको तुम्हारे ध्यान में अपराध जचे तो उसको कैद तो करना नहीं है, हमारा आदमी है, उसको जुर्माना करना, तुम्हारे जचे से जुर्माना कर दे। बोले अच्छा हुजूर, जुर्माना कर देंगे। तो जुर्माना करने के लिए बैठा, अपराध कुछ था ही, वो सोचता है कि कैद बीसी जुर्माना करें 5 बीसी तो ज्यादा हो जाएगा इतना कहां से देगा, और 1 बीसी बहुत कम, तो 3 बीसी कर दें, तो 3 बीसी जुर्माना कर दिया, 60 रुपया छूट गए। किसी राजा महाराजा के द्वारा करवा दे तो लाखों रुपया करता, तो जो 3 बीसी 5 बीसी के आगे गिनती नहीं जानता वो क्या मांगेगा बताइए। तो हम लोग अगर कहीं भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, भगवान का जो विशाल हृदय है, भगवान जो देना चाहते हैं देते हैं, वहां तक हमारी कल्पना नहीं जाएगी। ये भगवान से मांगना जो है ना, ये मांगने वालों के लिए भी मूर्खता है। जो मांगना, जो वैसे तो भगवान से मांगना ही मूर्खता है, भगवान से कुछ भी मांगना, भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए, और कोई चीज ना मांगे भगवान से। पर चीज मांगने वाले भी न मांगे तो अधिक बुद्धिमान है, चतुर है। क्यों चतुर है? कि भगवान जितना दे सकते हैं और देना चाहते हैं, उनके ध्यान में छोटी चीज आ गई कि नहीं। बहुत बड़ा आदमी जो जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, वो 2-4 पैसे की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाएगी, वो सोचेगा तो 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000 सोचेगा। तो भगवान जब अपनी इच्छा से देंगे तो न मालूम क्या दे दें, मांगने वाला घाटे में रहता है। लेकिन भक्त जो है ये उसकी ये दृष्टि भी नहीं रहती कि न मांगने से वो ज्यादा दे देंगे, ये दृष्टि नहीं रहती, वो तो अपने लिए कोई आवश्यकता समझता ही नहीं। वो भक्त तो भगवान का हो चुका है ना, अब यो तो भगवान की प्रतिज्ञा योगक्षेम वहामि हम, पर प्रतिज्ञा हो ना हो उसको अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती, उसका जीवन मरण उसके लिए दोनों समान है, उसका अभाव अभाव उसके लिए दोनों समान है। वो तो केवल चाहता है और केवल मांगता है भगवान की सेवा, भगवान का भजन, भगवान की स्मृति, इसमें कभी जरा सी भी बाधा न पड़े, उसकी एक ही मांग रहती है। उसमें अगर बाधा पड़ती है तो वो उसे न तो स्वीकार है और न उसके वो अनुकूल है, वो बड़ी प्रतिकूल मालूम होती है। बल्कि यहां तक कि सर्वस्व छीन लिया जाए, सर्वस्व छीन लिया जाए, त्रिभुवन विभव ये तवेति, ये कहा भागवतोत्तमों का वर्णन जब करते हैं भागवत में एकादश में, तो कहा एक तरफ त्रिभुवन का वैभव है और एक तरफ लगार नदी आधे लव के लिए भगवान को भूल जाना, किसी से कहे क्या लगता है
जरा सी देर भगवान को भूल जाओ और तुम्हें त्रिभुवन का वैभव दे देंगे। अब आज का बुद्धिमान आदमी तो ये कहेगा कि इसमें क्या लगता है, अरे थोड़ी देर भगवान को भूल गए कौन सी हानि हो गई, पर उसके लिए तो बहुत बड़ी हानि। वो तो आधे लग के लिए भी भगवान को भूल जाए तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। वो कहता है त्रिभुवन का वैभव नहीं चाहिए बल्कि वो तो और आगे बढ़ता है। वो तो कहता है स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान की स्मृति जो है वो अखंडित बनी रहे, वो नित्य बनी रहे, भले ही इसके बदले में नरक में जाना पड़े। मांगने की बात तो अलग रही, सारे सुख उसके छीन लिए जान, सारे सौभाग्य उसके छीन लिए जान, सारे पुण्य उसके छीन लिए जान और उसको दुर्गति में भेज दिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति हो जाए तो वो कहेगा कि हो जाए नरके व नरकांतक प्रकाम। कहीं पर भी जाना पड़े कोई आपत्ति की बात नहीं, पर हम भगवान को नहीं छोड़ सकते, भगवान को नहीं भूल सकते। वही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा आत्मा है। इस प्रकार भगवान में ममता हो जाए, अनन्य ममता विष्णु, भगवान में ममता हो जाए और इन द्वंद्वों में समता हो जाए। यही कर रहा है, नई बात कुछ न तो करनी है, न नई बात संसार में कुछ है। ये तो हम लोग सब सुनते हैं और हम कहते हैं ना, कि सुनने वालों को और कहने वालों को दोनों को कहना सुनना बंद कर देना चाहिए। असली बात तो ये है, पर ये असली बात होती नहीं, इसलिए चलो कहना सुनना भी चलता ही है। अच्छा व्यसन है, कोई बुरी चीज नहीं है, भगवत चर्चा है, पर साधना नहीं है। साधना तो लग जाने में है, जीवन में वो चीज उतरे, जीवन में आवे, हमारा जीवन भगवान में लगे और सचमुच ऐसा दिखाई दे, ये अनुभव में आने लगे कि हमारी ममता की चीज तो भगवान ही है, ये सामने आने लगे, चीज दिखने लगे, इस प्रकार की अनुभूति होने लगे कि जगत की तो कोई चीज हमारी ममता की है ही नहीं और भगवान कभी बेममता के है ही नहीं, ऐसा अनुभव होने लगे वस्तुओं की प्राप्ति में और वस्तुओं के जाने में। संसार की वस्तुएं जाए और भगवान का स्मरण बना रहे, उस समय एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि गई उसमें तो ममता है नहीं, वो गई सो गई और रही सो रही, कोई बात नहीं। भगवान की स्मृति बनी तो भगवान हमारी चीज हमारे पास बनी हुई है, भगवान हमारे, भगवान की स्मृति हमारी, वो चीज हमारी बनी हुई है। और ये होता है, ये जिन साधकों को, जो लोग साधक नाम से न रखे उनका, जो भाई जो बहन इस प्रकार का अपना आचरण बनाना चाहते हैं, बना लेते हैं, बनाया है किसी अंश में, उन लोगों को ये अनुभव होता है कि भगवान हमारे हैं, प्राप्ति हो चाहे प्रिय का विनाश हो चाहे अप्रिय मिल जाए, इसमें कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि इसमें ममता नहीं है, ममता भगवान में है। भगवान कहीं बिछुड़ते हूँ, और ये एक सच्ची बात है, ये करके देखने की बात है, भगवान में ममता कर लेने पर भगवान बिछुड़ते नहीं, सच्ची बात।